Hey guys, welcome back to another new video. मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो. अराउंड दो हफ्ते पहले मैंने तुम लोगों को एंटेक डीएफ 600 जो कि एक बहुत ही अमेजिंग केस है इसके बारे में बताया था. एंड व्हाट आई टोल्ड यू वाज कि बिकॉज वो नया है आई नीड सम टाइम टू रिव्यू इट एंड टेल यू गाइज माई थॉट्स अबाउट. तो करीब दो हफ्ते यूज करने के बाद कुछ जो चीजें मेरे सामने आई हैं आई एम गोइंग टू प्रेजेंट देम टू यू. द रिव्यू इज गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड जो मेरे को लगता है इस केस में दिक्कतें हैं आई एम गोइंग टू ब्रिंग दोज आउट एज वेल. सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज बिल्ड क्वालिटी की. एंड द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस कैबिनेट इज अमेजिंग. चाहे तुम इसके ग्लास की बात करो, चाहे तुम इसके स्टील वाले कंपोनेंट की बात करो, चाहे तुम इसके फ्रंट पैनल की बात करो, द ग्लास लुक्स रियली सॉलिड, द स्टील लुक्स वेरी सॉलिड एंड देयर इज नॉट अ सिंगल इशू विद द होल बिल्ड. जो दूसरी चीज़ है वो है इसका टेम्पर्ड ग्लास. वो 4 mm थिक एक बहुत ही सॉलिड टेम्पर्ड ग्लास है एंड जो मैकेनिज्म है इसको निकालने का और लगाने का दैट इज़ वेरी ईजी. तो बिल्ड करते हुए बहुत ज़्यादा ईजी रहता है जब भी हम इसका यूज़ करेंगे. तो अगली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं गाइज इसके अंदर के स्पेस की. एंड एज यू कैन सी मेरे जो GTX 1080 Ti है विच इज़ क्वाइट लार्ज वो भी बहुत ईजिली एकोमोडेट हो जाता है एंड कोई दिक्कत नहीं रहती है. इसमें स्पेस इतना ज़्यादा है कि तुम इसके अंदर चाहे एक या दो AIOs लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज एज यू कैन सी इनसाइड देर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस. नाउ स्पेसिफिक टू दिस कैबिनेट अगर तुम लोग देखोगे इसके अंदर तो देर इज़ अ मैग्नेटिक मैश फिल्टर जो कि सामने की तरफ लगा है. एंड जो मुझे चीज़ समझ में आया कि जब ये मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर एक या दो हफ्ते तुम लगा के रखोगे तो यू विल फाइंड कि सामने से जो भी डस्ट आ रहा है वो सारा इस पे जमा हो जाता है. इसके अलावा गाइस जो फाइनर पार्टिकल्स उस मैश से निकल जाते हैं वो तुम देख सकते हो कि कैबिनेट के अंदर हल्का सा एक लेयर बना देते हैं जो कि तुम स्क्रीन पे साफ साफ देख सकते हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको जो कैबिनेट है वो उसको साफ करते रहो. इसके अलावा इसके एक और वर्जन है एंटेक का डीएफ 600 फ्लक्स. उसके अंदर टोटल 5 fans आते हैं. उसके साइड में एक एयर फ्लो के लिए जो राइट साइड का जो पैनल है उसमें थोड़ा सा जगह रहता है एंड उसके अंदर 2 extra fans भी आते हैं और एक एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फिल्टर आता है. तो ये चीज़ उस वर्जन में ज़्यादा होता है. हाउएवर इस वर्जन में 2 fans एंड एक मैग्नेटिक फिल्टर एक्स्ट्रा नहीं मिलता है हमको. तो ये चीज़ ध्यान रखना. नाउ लेट्स कम ऑन टू द कैबिनेट एज ए होल. सो फ्रंट की सामने से जो 3 RGB fans लगे हैं वो डिजिटल RGB fans हैं एंड डिजिटल होने की वजह से इनके अंदर जो इसका कनेक्टर होता है जिसको तुम मदरबोर्ड पे कनेक्ट करोगे वो एक 3-pin connector है ना कि 4-pin connector. तो तुम्हारे कुछ मदरबोर्ड्स हैं जिसमें RGB कंट्रोलर्स जो एनालॉग टाइप के हैं जिसके अंदर 4 pin वाले रहते हैं वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं है. हाउएवर इसका मतलब ये नहीं है कि RGB यू कैन नॉट यूज़. यू कैन यूज़ द RGB जो उसके इनबिल्ट कलर्स एंड मोड्स हैं उसका यूज़ करके तुम लोग ईजिली यूज़ कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल जो मेरा ASRock का एक 370 Pro 4 है उसके अंदर जो RGB हेडर है वो 4-pin का है एंड ड्यू टू विच देर इज सम कंपैटिबिलिटी इशू विद दिस मदरबोर्ड एंड उस डिजिटल ARGB पोर्ट में बेसिकली वो लगता ही नहीं है. ऊपर का जो मैश फिल्टर है काफ़ी अच्छा है, अच्छा काम करता है एंड ऊपर से ज़्यादा डस्ट नीचे की तरफ नहीं आता है. हाउएवर सामने से बिकॉज वो डस्ट फिल्टर जो है वो थोड़े से उसके पोर्स बड़े हैं तो काफ़ी ज़्यादा डस्ट आता है. उसके बाद जो इसका GPU होल्डर एक दिया गया है दैट इज़ अ वेरी गुड एडिशन. जहाँ पे तुम्हारा अगर भारी GPU तुमने लगाया हुआ है तो उसको होल्ड करने के लिए वो काफ़ी अच्छे से काम करता है. एंड एक चीज़ जो फ्लक्स एडिशन में है जो 2 extra fans वो 2 extra fans में से एक लगता है पीछे की तरफ जो सामने जो अंदर की हवा को बाहर निकालता है एंड जो दूसरा है दैट इज़ PSU श्राउड के ऊपर जो कि अगेन ठंडी हवा को अंदर बाहर से अंदर की तरफ खींचता है. वो दोनों चीज़ें इस वर्जन में नहीं है. हाउएवर जस्ट टू टेल यू गाइज कि Amazon पे वो अभी 5200 का मिल रहा है विद 10% डिस्काउंट. तो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक इट आउट. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक में दे दूंगा, यू गाइज कैन गो एंड सी दैट ओवर. इसके अलावा गाइज द कैबिनेट एज अ होल इज वेरी नाइस बट देर इज़ अ मेजर इशू फॉर सम पीपल जिनको बहुत ही साइलेंट कैबिनेट चाहिए. जो RGB कंट्रोलर है जो इस कैबिनेट के पीछे के साइड पर दिया हुआ है उसका फोटो अभी आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा.
उसमें PWM कंट्रोलर नहीं है, PWM कंट्रोलर नहीं है मतलब तुम जो फैन है उसके स्पीड को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, एंड उसकी वजह से जो फैन का जो RPM है दैट इज़ कांस्टेंट, एंड वो एक बहुत ही हल्का एक साउंड प्रोड्यूस करता है जब भी तुम PC अपना ऑन करोगे तो अगर तुम लोगों को वो फैंस को भी कंट्रोल करना है तो PWM कंट्रोलर एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, जिससे कि तुम जो है यू कैन यू नो ईजिली कंट्रोल द स्पीड ऑफ द फैंस एज वेल, एंड ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। इसके अलावा गाइस जो सामने की तरफ से जो एयर फ्लो है दैट इज़ वेरी नाइस, तो अगरबत्ती टेस्ट मैं इसमें तुमको करके दिखा रहा हूँ एंड तुम देखोगे कि जो सामने की तरफ से जो तीन फैंस है बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में हवा को अंदर सर्कुलेट करते हैं, जिसकी वजह से अगर तुम्हारा GPU है, तुम्हारा मदरबोर्ड है, CPU है, उन सबको काफ़ी अच्छी तरीके से यू नो एयर का, ठंडे एयर का इनपुट मिलता है, जिससे उनका टेम्परेचर कंट्रोल होने में काफ़ी इजी रहता है। जब मैंने स्ट्रेस टेस्ट किया था अपने GTX 1080 Ti को तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर वो गया था दैट वाज एज गुड एज कि जब मैंने अपने साइड पैनल को खोल के रखा हुआ था पुराने कैबिनेट में, दैट वाज अराउंड 67-68 डिग्री सेल्सियस, नॉट मोर देन दैट। तो द एयर फ्लो फॉर दिस वर्जन इज़ वेरी गुड, अगर तुम फ्लक्स एडिशन लोगे तो उसमें एयर फ्लो और ज़्यादा मिलता है एंड और बेहतर मिलता है। बट द कंप्लेंट्स विद दिस कैबिनेट इज़ बेसिकली जो फैन कंट्रोल स्पीड नहीं होते हैं इसके RGB कंट्रोलर में, दैट इज़ वन थिंग। जो पोर्ट्स होते हैं वो यू नो डिजिटल पोर्ट्स हैं, जो RGB कंट्रोलर पोर्ट है वो डिजिटल पोर्ट है, सो उसकी वजह से कुछ मदरबोर्ड्स पे ये कंपैटिबल नहीं होगा। एंड फ्लक्स एडिशन एंड नॉन फ्लक्स एडिशन के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ 2 फैंस एंड एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर, एंड राइट साइड पे जो शाउड है उसके साइड में एक छोटा सा कटआउट रहता है जिसकी वजह से राइट साइड से हवा बिल्कुल इनपुट नहीं होते। हाउएवर ओवरऑल आई विल गिव दिस कैबिनेट एन 8/10 जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑसम बिल्ड, द क्वालिटी ऑफ दिस बिल्ड इज सो गुड दैट अगर तुम ये लेते हो तो यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज रिगार्डिंग टेम्परेचर्स। एंड जो इसका AIO सपोर्ट है दैट इज अगेन इसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट, सो AIO सपोर्ट में तुम सामने की तरफ, ऊपर की तरफ एंड पीछे की तरफ एंड इवन क्या कहते हैं 140mm एंड 120mm बोथ साइजेस के AIOs को तुम इसमें कनेक्ट कर सकते हो, चाहे तुम GPU को या तुम CPU को करना चाहो कनेक्ट, कोई इशू नहीं है। एंड साथ ही जो सामने की जगह है उसका भी यूज़, इवन एक रिजर्वर अगर तुम एक AIO रखना चाहते हो, एक कस्टम कूल्ड PC बनाना चाहते हो, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हो। एंड द PC द कैबिनेट इट्स वेरी यू नो वेरी गुड, वेल मेंटेन्ड, वेल बिल्ट, एंड द ओनली प्रॉब्लम विद दीज इज़ कि जो सामने का जो डस्ट फिल्टर है उसके पोर्स थोड़े बड़े हैं तो अंदर डस्ट आता है, एंड यू हैव टू कीप योर CPU अगर साफ रखना है तो हर 1-2 हफ्ते में मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर को साफ करो एंड जो अंदर का जो डस्ट सेटल हुआ है उसको साफ करो। सो दैट इज़ इट विद दिस वीडियो, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आया तो गिव इट अ लाइक, अगर नहीं तो गिव इट अ डिसलाइक, एंड फ्यूचर में और भी इस तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए आई विल सजेस्ट एंड रिकमेंड दैट यू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल ताकि मेरा अगला वीडियो है तो तुम लोगों को पता चल सके एंड यू गाइज डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, स्टे ऑसम, स्टे सेफ, जय हिंद।